दोस्त को लास्ट तो आना पड़ा है यार सेडियम दूध दी थी पुलिस वाले सब फोन निकाल लिए हैं। कहां पर हूं अब? यहां क्या रहे बताओ? सुखा पड़ा का कोई भी आ गया चोरी हुई समार। अरे समार हुआ अब का पता लगे धीरे धीरे क्या हो चोरी हुआ समार हुआ पार्टी हुई क्या हो भाग रहे लड़के का बता रहा हूं जानकारी हो पूछो अब जा पूछो। हां क्यों बताइए कि हम कहां आए ना है मामला। हाथ कौन लगाया भैया? आज दिनांक 6 फरवरी को रात में ही लगभग 3 बजे सूचना आई थी कि एक युवक की डेड बॉडी कुएं में डली हुई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वो लोगों से बातचीत की, तहकीकात किया, सूचना देने वाले से भी बात की, तो पूरे इसे ये पता चला कि ये भीम सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह जो कि ओमपुरवा पोस्ट है हरिंदर नगर थाना चकेरी का रहने वाला है, कानपुर नगर में का रहने वाला है ये, और ये यहाँ पर आता जाता रहता था। तो पूरी इसमें ये तथ्य निकल के आया कि मुकेश कोरी के यहाँ इसका आना जाना था, उसके ससुराल में इसका आना जाना था और ये इसके यहाँ भी आता जाता था। और ऐसा उन लोगों का आरोप है, उनके जो स्वजन हैं उन लोगों का आरोप था कि इससे इसकी पत्नी से इनका मिलना जुलना था, मुकेश कोरी की पत्नी से, जिससे वो नाराज था और इसने उसको फुसलाकर शराब पीने के लिए तैयार किया और ये गोंडा शराब पी के पीने के लिए उसको लेके आया। और रात्रि में जहाँ पर ये शव मिला है कुएं के पास, वहाँ पर उसने उसकी गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी और शव को कुएं में डाल दिया। पुलिस ने 4-5 घंटे में ही इस पूरे केस का अनावरण किया और अभियुक्त जो मुकेश कोरी है उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे जो आला कतल चाकू है वो भी बरामद कर लिया और जो खून से लथपथ उसके कपड़े आदि जो भी है उसको बरामद कर लिया गया है। आशनाई में ये लव सेक्स धोखा है। दरअसल ये बात इसमें अभी प्रकाश में आई है कि इसकी पत्नी से जो मृतक है इसका आना जाना था, मेलजोल था और उसी रंजस के वजह से इसने अभियुक्त ने इसकी हत्या कर दी है। आशनाई में हत्या कहेंगे? अब ये पूरे तथ्यों की जांच पुलिस कर रही है लेकिन प्रथम दृष्टया यही था उसका जो हत्या का उद्देश्य यही समझ में आया कि इसकी पत्नी से इसका मेलजोल था और उससे इसका पति दुखी था और उसने जो है उसको मार दिया। हाँ, जब वो असलाहा बरामद करा रहा था तो उसने प्रयास किया लेकिन पुलिस सतर्क थी और वो घटना नहीं हो पाई। घटना की सूचना किसने दी?
ये जो पीआरवी पे सूचना दी थी वो एक महिला जो कि उसकी जो अभियुक्त है उसकी सास बताई गई है, उसने ये पहले सूचना दिया था और फिर बाकी पुलिस ने पहुंच के पूरा काम किया। तो इसके प्रेम संबंध कानपुर में हो गए थे, अब ये शादी भी कानपुर में हुई थी और प्रेम संबंध भी कानपुर में हो गए थे। वो आता अभी जाता जो घटना का उद्देश्य समझ में आया और पुलिस ने जो अभी प्राथमिक छानबीन की और अभियुक्त से पूछताछ की और उसके जो ससुराली जन है उनसे पूछताछ की, तो उसमें यही तथ्य प्रकाश में आया कि ये जो मुकेश खोरी है इसकी पत्नी और जो मृतक है जिसकी यानी हत्या की गई भीम सिंह की, वो उनमें मेलजोल था, उनमें बातचीत होती थी, मेलजोल था, उससे ये पति उसका नाखुश था। मृतक कहाँ का रहने वाला था? मृतक कानपुर चकेरी थाना कानपुर नगर का रहने वाला, यहाँ आया था इनके घर पे। जी